अक्षय कुमार की पीरियड ड्रामा पृथ्वीराज इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। निडर और पराक्रमी राजा पृथ्वीराज चौहान पर आधारित यह फिल्म अगले महीने रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस फिल्म से पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। ट्रेलर लॉन्च होने के बाद से ही फैंस इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण यशराज प्रोडक्शन कर रही है। इतिहास पर आधारित फिल्म होने की वजह इसका बजट काफी ज्यादा है। इस बीच फिल्म के सेट से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य चोपड़ा ने 12वीं शताब्दी की दिल्ली, अजमेर और कन्नौज को फिर से उसी रूप में दिखाने के लिए एक विशाल सेट बनवाया, जिसके लिए 25 करोड़ रुपये खर्च कर किए गए हैं। फिल्म के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने भी सेट निर्माण को लेकर आदित्य के प्रयासों की प्रशंसा की है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने कहा, आदित्य चोपड़ा ने दिल्ली, अजमेर और कन्नौज को फिर से बनाने के लिए काफी मेहनत की है। मैं पूरी सेट डिजाइन टीम को ऐसा सेट बनाने के लिए बधाई देता हूं। शहर के निर्माण के लिए असली संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। इस विशाल सेट को बनाने के लिए 900 श्रमिकों ने लगभग 8 महीने तक कड़ी मेहनत की, जो हमारी आंखों के लिए एक चमत्कार जैसा था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आदित्य चोपड़ा ने शहर को परफेक्शन के साथ दिखाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। ट्रेलर को देखकर जो सेट की भव्यता को पसंद कर रहे हैं, उन्हें फिल्म की रिलीज तक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उद्धरण, बता दें कि इस फिल्म में अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान और मानुषी छिल्लर राजकुमारी संयोगिता के रूप में दिखने वाली हैं। वाईआरएफ की इस ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म में संजय दत्त, सोनू सूद, मानव विज, आशुतोष राणा और साक्षी तंवर भी अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 3 जून 2022 को रिलीज होने वाली है।